हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू बीज किचन। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अरबी कटलेट की रेसिपी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज की ये यम्मी रेसिपी। एंड फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अरबी कटलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होगी अरबी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम अरबी ली है जिसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया है। अरबी हमें तब तक प्रेशर कुक के बॉईल करनी है जब तक कि वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। इसके बाद हम उसको पील ऑफ कर लेंगे और उसको एक चम्मच की हेल्प से हम मैश कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें 4 चम्मच कुट्टू का आटा डालेंगे। एक बारीक कटी हरी मिर्च लेंगे। एक चम्मच ग्रेटेड अदरक। सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। एक चम्मच अजवाइन। अगर आप अजवाइन व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे 2 से 3 चम्मच तेल और सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो कटलेट का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब हम कटलेट बनाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे और उसको घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम मिक्सचर को कटलेट की शेप देंगे। तो शेप देने से पहले हम अपने हाथ को घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद एक छोटी बॉल साइज हम डो लेंगे। जो अरबी का हमने मिक्सचर रेडी किया है उसको लेंगे और हाथ की हेल्प से उसको कटलेट का शेप देंगे। तो ये देखिए हमारा कटलेट रेडी हो गया। इसी तरह से हमें सारे कटलेट बना लेते हैं। तो हमारे सारे कटलेट बनके तैयार हो गए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब तक हमारे कटलेट सेट होते हैं तब तक हम इसके साथ खाने के लिए योगर्ट मिंट डिप बना देते हैं जो कि कटलेट के साथ बहुत ही यम्मी लगता है। तो उसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप हैंग कर्ड। तो उसमें से हमें एक्सेस वाटर निकाल देना है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच फाइनली चॉप्ड खीरा और 1 चम्मच ही बारीक कटा हुआ पुदीना। फिर इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हमारा योगर्ट मिंट डिप रेडी हो गया है। अब हम फ्राई करेंगे कटलेट्स। कटलेट्स को फ्राई करने के लिए हमें एक पैन चाहिए। पैन में हम 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे और फिर कटलेट्स को उसमें प्लेस करेंगे। कटलेट्स को लो टू मीडियम फ्लेम पे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि वो लाइट ब्राउन ना हो जाए और ऊपर से घी अप्लाई करेंगे उस पर और 1 से 2 मिनट के बाद हम उसे फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए हमारे एक तरफ से कटलेट कुक हो गए हैं। हम सारे कटलेट्स को पलट देंगे।
तो ऐसे ही पलटते हुए में कटलेट्स को अच्छे से कुक करना है। हमें कटलेट्स को पलटते हुए जब तक कुक करना है जब तक कि वो दोनों तरफ से अच्छे से पक ना जाए। तो ये देखिए हमारे अरबी के कटलेट अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब गरम गरम अरबी के कटलेट योगर्ट मिंट डिप के साथ एंजॉय करें। फ्रेंड्स, ये थी आज की हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस नवरात्रि इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय। जय माता दी।